ये हमारा एनएक्स ऑडियो प्रोटोन आरएक्स 4000 वाटेज है। ये कोई मिस्त्री के पास किया था, इसका हालत बहुत जख्मी कर दिया है। जरा आप देख सकते हैं किस हालत में मशीन लाया गया हुआ है। ये देखिए, कुछ भी नहीं इसमें बचने दिया है। ये कंडेंसर भी खोल चुका है इसका, इसी में है। पार्टी का कहना था कि ये जो है हमारा चालू था मॉड्यूल, मतलब कोई दुकान वाला बोला कि ये पूरा मॉस्फेट खराब है दोनों पट का। ये वही मिस्त्री बना के दिया था लेकिन चला नहीं, सारा खराब हो गया। ये हमको दिया है, अगर आप देखिए, देखिए इसका ये क्या होता है ना, एक हमारे पास और आया था आरएक्स 4000, यही सेम यही मॉडल। इसमें क्या था, जब लाइट देता था, इसमें लाइन देता था मशीन में, इसमें तब इसके क्या होता था, ये मॉड्यूल का मॉस्फेट उड़ जा रहा था। तो इसका कारण ये मतलब कस्टमर लेके आया, तो इसका कारण था ये, कोई मिस्त्री ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस, ये 2K2 लगा हुआ, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था 33R33, मतलब जो हमारे इधर लगा हुआ, देखिए इसमें भी गलती है। यहाँ ये वो 2K2 लगा गया, ये हमारा गलती है, यहाँ 2K2 रहना चाहिए। यहाँ ये हमारा मॉड्यूल पूरा डेड हो चुका है। इसको हम अब भी बना के और ऑन करके आपको दिखाएंगे क्या इसमें ख़राब था, क्या लगाएं, कैसे चल रहा है मशीन, ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका अगर शायद इसका पार्ट भी चेंज कर दिया होगा, ये तो ब्लैक है। ये भी है 4000 एनएक्स ऑडियो का ही है आरएक्स, देखिए इसका मॉडल नंबर यहाँ पे, देखिए मॉडल नंबर है ना, आपको दिखाई देता होगा, ये वाला मॉडल नंबर। ये इसका रिले है, रिले है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, जीनर है, और क्या प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आता है, ये जो जीनर है ना, ये वाला और ये साइड वाला जीनर, ये दोनों ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। कुछ भी अगर शॉर्ट करता है तो हमारा जीनर ही ख़राब होता है। अगर आपके भी ख़राब हुआ होगा तो ये सबसे पहले आप जीनर चेक कीजिएगा, और ध्यान रखें कि यहाँ पर 2K2 रहना चाहिए रेजिस्टेंस, वरना आपका मशीन शॉर्ट बताएगा। अब जब सीरीज से खोल के दोगे ना तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, और ये को यहाँ, तो ये दोनों साइड जो होता है ना, एक साइड 1943, एक साइड 5200, तो ये हमारा 5200 में 2K2 एक तो दूसरा नंबर में रहेगा, और 1943 में फर्स्ट नंबर में रहेगा 2K2। ये आपको ध्यान रखना है, और इसका ये देख लेते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भी पूरा ख़राब हो चुका है। ख़राब हुआ नहीं है, मिस्त्री को लग रहा है ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसका सारा सामान इसमें है, और ये देखें, ये इसका पावर किट है, जो हमारा यहाँ पे एक रिले रहता है,
एक रीलर आता है, यहाँ पे एनटीसी रहता है दो, ये हमारा रेस्टेंस यहाँ रहता है, और ये शायद होगा यहाँ पर, यहाँ लगता है, हाँ यहाँ लगता है। ट्रांसफार्मर भी ठीक है, काफ़ी अच्छा मशीन है ये, और एक कम वोल्टेज में अगर चलाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर MT-1601 का मतलब बात करना चाहते हैं तो हमारे पास भी MT-1601 है, रिपेयरिंग में आया हुआ है। अगर इसका आप रिपेयरिंग का देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, इसी तरह वीडियो हम लाता रहता हूँ। और एक और मशीन हम आपको दिखाते हैं, ये जो है साउंड एक्सटेंडर का टेक्नोफोर, अगर उसका वीडियो चाहते हैं रिपेयरिंग का तो भी आप चैनल पे बने रहें। और एक यूनिवर्सल का आया है 600 वाट, जो हमारे 6000 मॉडल से हैं, अगर इसका वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें। हमारे पास एक और मशीन आया है जो MX ऑडियो के नाम से है, उसका भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, उसका भी ये इसका भी वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। अगर आप स्टेबलाइजर बनाने नहीं जान रहे हैं तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो हमारे चैनल पे बने ही रहें, इसका भी रिपेयरिंग हम जस्ट डालने वाले हैं। थैंक यू, मेरे चैनल पे बने रहें।